वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि संगतें या फिर लोग जो हैं वो गुरबाणी तेज क्यों पढ़ते हैं? आखिर उनके जहन में, उनकी सोच में ये बात कहां से आ जाती है कि उनको गुरबाणी तेज पढ़नी है? मैं आपको आप बीती बताता हूँ, मतलब जो सिचुएशन मेरे साथ बीती वो बताता हूँ, और इसमें आपको शायद अपने लिए भी सीखने के लिए कुछ मिल जाए, और हो सकता है इस विचार से, इस बात से शायद आप गुरबाणी स्लो पढ़ना शुरू कर दें, या फिर आपकी वजह से कोई और जो है गुरबाणी तेज ना पढ़े, क्योंकि आप एक रीजन हो सकते हैं किसी के गुरबाणी तेज पढ़ने का। जब मैंने गुरबाणी पढ़ना या फिर गुरमुखी पढ़ना शुरू किया, जो मेरे उस्ताद थे, मेरे टीचर जो थे, जो मुझे गुरबाणी या गुरमुखी सिखाया करते थे, वो मुझे या हम जितने भी स्टूडेंट्स थे, संगत थे पाठशाला में, तो हम सबको वो सिखाया करते थे और कहा करते थे कि गुरबाणी हमेशा स्लो पढ़ना, सहज से पढ़ना, प्यार से पढ़ना। उन्होंने हमें कभी भी नहीं कहा कि गुरबाणी तेज पढ़ो। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर आप ज्यादा पाठ करते हैं और तेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप एक पाठ करें पर सहज से करें, प्यार से करें। वो हमेशा हमें यही सिखाया करते थे। तो जब हमारी पाठशाला पूरी हो गई, गुरमुखी पढ़ना सीख लिया, गुरु महाराज की कृपा से जब हम सहज पाठ पढ़ने के काबिल हो गए, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के ताबे बैठकर हम सहज पाठ करने लगे या ग्रंथी बन गए जब हम, और अखंड पाठ साहिब में हमारी हाजिरी लगने लगी, सप्ताह पाठ साहिब में हमारी हाजिरी लगने लगी, तो जो सीनियर्स होते थे, जो पुराने लोग होते थे, जो काफी टाइम से गुरबाणी पढ़ चुके हैं, वो अक्सर हमसे आके पूछा करते थे कि कितने अंक साहिब पढ़ लिए। ये सवाल वो अक्सर हमसे आके पूछा करते थे कि कितने अंक साहिब पढ़ लिए। तो क्योंकि हम नए थे और शुरू में तो कोई भी तेज नहीं पढ़ता, तो जब हम कह दिया करते थे कि 10 अंक साहिब पढ़ लिए, तो अगला सवाल वो हमसे ये पूछा करते थे कि कितने टाइम में पढ़ा। तो हम कह दिया करते थे भाई 1 घंटा हो गया। तो आगे से उनका जो रिप्लाई होता था, जवाब होता था, बस 1 घंटे में 10 अंक साहिब पढ़े हैं, स्लो हो बहुत, स्पीड बढ़ाओ अपनी। वो लोग ये कहा करते थे, और आज भी कई जगहों पर कई लोग, ज्यादातर पुराने लोग, ज्यादातर सीनियर्स लोग, नए स्टूडेंट्स को, नए जो गुरमुखी सीख लेते हैं, गुरबाणी सीख लेते हैं, उन्हीं को आके यही कहते हैं कि बाणी तेज पढ़ो, बाणी स्पीड पढ़ो, कितने अंक साहिब पढ़ लिए, कितनी देर में पढ़ लिए, बहुत स्लो हो। ये जब बातें किसी भी नए बंदे को कही जाती हैं, तो उसके जहन में एक बात बैठ जाती है कि गुरबाणी शायद मैंने तेज पढ़नी है, और फिर एक रेस शुरू हो जाती है सबके बीच में कि भाई आपने कितने अंक साहिब पढ़े, आप घंटे में कितने अंक साहिब पढ़ते हो, मैं 20 पढ़ता हूँ, मैं 25 पढ़ता हूँ, अरे वाह 25 अंक साहिब 1 घंटे में, अगला यार वो तो 40 अंक साहिब जो है 1 घंटे में पढ़ता है, और ये रेस शुरू हो जाती है। सच बात है कि गुरबाणी पढ़ते हुए भी हमने रेस शुरू कर दिया। ऐसा है या नहीं, आप खुद से पूछें, और हो सकता है मेरे लफ्ज बुरे हों, मेरी बातें गलत हों, मैं माफी चाहता हूं। पर अगर आप अखंड पाठ साहिब की रहत मर्यादा देखें, अगर आप अकाल तख्त की रहत मर्यादा देखें, जहां पर अखंड पाठ साहिब की रहत मर्यादा लिखी हुई है, वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि गुरबाणी को तेज पढ़ें। ये जरूर लिखा हुआ है कि गुरबाणी को सहज से, गुरबाणी को प्यार से पढ़ें। बेशक अगर अखंड पाठ साहिब जो चल रहा है उसे पूरा होने में देरी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। ये लफ्ज अखंड पाठ साहिब की रहत मर्यादा में, जो अकाल तख्त की तरफ से रहत मर्यादा बनी हुई है, उसमें ये लफ्ज बकायदा लिखे हुए हैं। तो उन लोगों को, उन संगतों को ये सवाल पूछने का ख्याल या हक कहां से आया कि वो आके किसी से भी पूछ रहे हैं कि आपने कितने अंक साहिब पढ़ लिए? एक विनती करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीनियर्स से, जो बड़े लोग हैं, जो गुरबाणी काफी टाइम से पढ़ चुके हैं, वो ये सवाल किसी से भी कभी ना पूछें। इसी सवाल की वजह से एक नया स्टूडेंट जो बेहतर तरीके से गुरबाणी पढ़ सकता है, सहजे से गुरबाणी पढ़ सकता है, उसकी सोच में आप ये डाल देते हैं कि गुरबाणी उसने तेज पढ़नी है, और वो तेज पढ़ना शुरू कर देता है।
जिसकी वजह से वो गुरबाणी कभी भी समझ नहीं सकता, बकायदा आगे चल के वो गुरबाणी में बेअदबियां ही करेगा, और इस बेअदबी की वजह कहीं आप ना हो जाए। जब मैंने ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी से, गुरु महाराज जी की बख्शिश से मुझे गुरबाणी व्याकरण, गुरबाणी शुद्ध उच्चारण सीखने का मौका मिला, तब मुझे समझ आया कि गुरबाणी को स्लो पढ़ना, गुरबाणी को सहज से, गुरबाणी को प्यार से पढ़ना कितना जरूरी है। कोई भी गलती हुई हो मैं माफी चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।